गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने अभी तक देखा था कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के। अब हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। जैसे अभी आपको बता दिए थे कि शेप एंड वॉल्यूम के बारे में। कि सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लिक्विड का शेप चेंज होता रहता है क्योंकि लिक्विड को जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बट वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता। सो इन लिक्विड अट्रैक्शन फोर्स इज लार्ज इनफ सो दैट स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल डज नॉट चेंज इजली। सो लिक्विड हैज फिक्स वॉल्यूम एट सेम विद सॉलिड। नेक्स्ट इज सॉलिड कैन चेंज शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स। सॉलिड का शेप हम चेंज कर सकते हैं व्हेन वी अप्लाइंग फोर्स। सो सॉलिड कैन चेंज शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स एंड लिक्विड एंड गैसेज डू नॉट नीड फोर्स टू बी अप्लाइड फॉर चेंजिंग शेप। और लिक्विड और गैस को शेप चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। चलिए अब हम थोड़ा आगे देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो है व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये होता है कि किसको हम कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोग किसको कंप्रेस कर सकते हैं ये देखते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास में सीरिंज है और यहाँ पे इसके नीडल के आगे हमने एक कॉर्क लगा के ओपनिंग को क्लोज कर दिया कि बाहर से कोई चीज़ अंदर से कोई चीज़ बाहर ना जाए। और फर्स्ट सीरिंज में हमने फिल कर दिया सॉल्ट मतलब ये कोई सॉलिड है, सेकंड में वाटर मतलब लिक्विड फिल कर दिया गया और थर्ड में गैस है। तो होता क्या है व्हेन वी प्रेस द पिस्टन लाइक दिस, जब हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो जिसमें सॉल्ट फिल है हम देखते हैं कि यहाँ पे पिस्टन नीचे की तरफ मूव नहीं होता। लिक्विड वाले में भी पिस्टन नीचे नहीं आता, पिस्टन नीचे नहीं आएगा। बट जब हम बात करते हैं गैस में तो गैस में पिस्टन थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर जाता है। अगर ये यहाँ पर है थोड़ा नीचे यहाँ तक आ जाता है। क्यों आ गया? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स थे वो सब पार्टिकल्स थोड़ा पास पास आ जाते हैं, मतलब गैस के पार्टिकल का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब। लेकिन लिक्विड और सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता। तो हम ये बोलते हैं कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो किस में होती है, तो गैस में होती है। गैस कैन कंप्रेस बट सॉलिड और जो सॉल्ट होते हैं या वाटर होते हैं इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। तो समझेंगे इसको। स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस कैन बी डिक्रीज। सो गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब गैस के पास जो कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है कंप्रेस होने की वो ज़्यादा होती है। बट स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी डिक्रीज सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस मतलब सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस ऑफ गैस। सो इसका भी यूज है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में है कंप्रेस हीलियम गैस इज फिल्ड इन एयर बैलून। आपने देखा होगा बैलून जो सेल करने आते हैं तो उसमें एक गैस फिल कर देते हैं जिसके कारण वो ऊपर की तरफ उड़ता रहता है। तो उसमें कौन सी गैस फिल करते हैं? हीलियम गैस। अब हीलियम गैस क्या होता है? एक छोटा सा सिलेंडर होता है और छोटे से सिलेंडर में बहुत सारा हीलियम गैस फिल कर देते हैं ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी मतलब गैस को कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा गैस छोटे से सिलेंडर में फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेस नेचुरल गैस जो सीएनजी होता है। सीएनजी इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस इज फिल्ड इन सिलेंडर विच आर यूज इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में जो सीएनजी से व्हीकल्स चलते हैं वहाँ पे एक सिलेंडर होता है जिसमें हम लोग गैस फिल करते हैं। इसी तरीके से हमारा होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी इज फिल्ड इन सिलेंडर विच आर यूज फॉर कुकिंग। हम खाना बनाने में कुकिंग करने में जो एलपीजी यूज करते हैं उसमें क्या होता है? ऊपर की तरफ एक पिस्टन लगा होता है जो कि बहुत हाई प्रेशर से कंप्रेस किए होता है गैस को जो बाहर नहीं आता। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है रिजिडिटी। ये क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी तो बोल में आ गया। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी में जैसे आपने देखा होगा साइकिल के जो टायर होते हैं उसमें जब हम लोग हवा फिल करते हैं या जो बॉल होते हैं फुटबॉल वगैरह हो गया उसमें हवा भरते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, उसको दबाते हो तो दबता है। ठीक है, रिजिडिटी की बात करें तो रिजिडिटी क्या होता है? मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना चाह रहे हैं और आसानी से वो ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे वो रिजिड है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस
टू रेजिस्ट एनी डिफॉर्मेशन लाइक चेंज इन शेप बीइंग कॉम्प्रेस एटसेट्रा। अगर हम उसका शेप चेंज करना चाहें तो आसानी से शेप चेंज नहीं होता, या कॉम्प्रेस करें तो भी कॉम्प्रेस नहीं होता है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, रिजिडिटी उसके अंदर होती है। सॉलिड हैव हाई रिजिडिटी, क्योंकि सॉलिड का शेप जल्दी से चेंज नहीं होता, इसलिए उसकी जो रिजिडिटी है वो ज़्यादा होती है। लिक्विड हैव लेस रिजिडिटी एंड गैस हैव नो रिजिडिटी, मतलब गैस का शेप बहुत आसानी से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग थ्रू, हम किसके थ्रू मूव कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें, तो जैसे गैस मान लीजिए एयर है, हम यहाँ पे आगे चल रहे हैं और यहाँ पे क्या है, एयर के पार्टिकल हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एयर के पार्टिकल क्या होते हैं, हमारे रास्ते से हट जाते हैं और हम आगे जाते रहते हैं, एयर के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं लिक्विड में, अगर हम लिक्विड में चल रहे हैं तो लिक्विड के पार्टिकल भी मूव कर सकते हैं और वो भी हमारे रास्ते से हट जाते हैं, हमारे लिए रास्ता बनाते हैं आगे जाने का। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे ये हम आगे इधर जा रहे हैं और बीच में कोई वाल है, तो हम इस वाल को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाल क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, तो ये पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं करते हैं, मतलब हमारे लिए इधर जाने का रास्ता नहीं बनाते हैं, तो वी कैन नॉट मूव थ्रू सॉलिड, बट वी कैन मूव थ्रू लिक्विड एंड गैस। इसको समझेंगे यहाँ पे, एज वी ट्राई टू मूव थ्रू गैसेस एंड लिक्विड, देयर पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम आवर पाथ क्रिएटिंग स्पेस फॉर अस, सो वी कैन मूव थ्रू देम, बट पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम आवर पाथ। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे रास्ते से आगे से नहीं हटते हैं, सो वी कैन नॉट मूव थ्रू देम, हम सॉलिड में मूव नहीं कर सकते। ओके, मूवी में आपने देखा होगा लोग एक वाल को क्रॉस करके दूसरे वाल में चले जाते हैं, मोस्टली जो हॉरर मूवी होती है उसमें ऐसा होता है, तो ये सब केवल मूवी में होता है, रियल में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें फ्लूडिटी, फ्लूडिटी क्या होता है, तो द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो सब्सटेंस पानी के जैसे फ्लो कर लेता है, तो हम बोलते हैं उसके अंदर फ्लूडिटी है, मतलब जो फ्लो करता है उसके अंदर फ्लूडिटी होती है। तो फ्लूइड्स आर सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो सब्सटेंस फ्लो कर देते हैं वो उसके फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड एंड गैस हैव फ्लूडिटी, आप जानते हो किसी कंटेनर में अगर हम लिक्विड फिल कर दें तो वो लिक्विड फ्लो करने लगेगा, या हम गैस फिल कर दें तो गैस भी फ्लो करता है लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता। अगर कंटेनर के अंदर हमने सॉलिड रख दिया तो क्या ये सॉलिड मूव करेगा, नहीं करेगा, बट लिक्विड और गैस फ्लो करने लगते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ऑटोमेटिक जाने लगते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो लिक्विड है और गैस है उसमें फ्लूडिटी होती है बट सॉलिड में नहीं होता, बट सॉलिड डू नॉट हैव फ्लूडिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमें देखना है डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज नथिंग बट जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये कुछ वॉल्यूम है, तो इतने वॉल्यूम में इसका जो मास होता है उसी को बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इफ मास इंक्रीजेज डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। अगर हम बात करें डेंसिटी का, तो पार्टिकल इन सॉलिड, जैसे सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ये मान लीजिए सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस। सॉलिड में देखिए मतलब सभी कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, तो सॉलिड में ज़्यादा पार्टिकल हैं क्योंकि बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में उससे कम है, और सबसे कम पार्टिकल किसमें है, गैस में। तो गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, तो गैस का मास क्या होगा, कम होगा, और मास कम होगा तो इसका डेंसिटी भी कम। ओके, मास लेस होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा, डेंसिटी भी लेस हो जाएगा, ठीक है। बट हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड का मास ज़्यादा होता है इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी बात याद रखना है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन कहा जाए कि सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो सॉलिड की ज़्यादा होती है। सॉलिड की ज़्यादा क्यों होती है, व्हाई सॉलिड हैव मोर डेंसिटी, तो रीजन क्या हो जाएगा इसका, कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, हाँ गैस की। क्यों? क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं, गैस का मास भी कम होता है। ओके, चलिए आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट हमें देखना है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मीन्स ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, ये हमारे पास कोई कंटेनर है, हमने क्या किया, इस कंटेनर में
कोई गैस फिल कर दिया। अब होता क्या है, ये जो गैस के पार्टिकल हैं ये मूव करते हैं, रेंडम मोशन कर देंगे। अब ये पार्टिकल मूव करते करते इस वाल पे ऐसे इधर की तरफ या इस वाल पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे से फोर्स अप्लाई करता है ये इस तरीके से। तो जो ये पार्टिकल फोर्स लगाता है इस कंटेनर पर हर डायरेक्शन में, इसी फोर्स से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम लिक्विड फिल करते हैं, मान लीजिए ये कंटेनर है इस तरीके से, यहाँ पे एक बैलून लगा दें ऐसे और इसमें हम लिक्विड फिल करें ये, तो होता क्या है जब लिक्विड फिल करते रहते हैं तो ये जो बैलून है ये एक्सपेंड कर जाता है, मतलब बैलून के अंदर लिक्विड फिल होता है और ये बैलून एक्सपेंड कर जाता है। तो ये बैलून एक्सपेंड क्यों हुआ, क्योंकि लिक्विड ने बैलून में क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया इसके बाद। तो जो लिक्विड होता है और गैस होता है ये प्रेशर अप्लाई करता है, बट जो सॉलिड होते हैं सॉलिड प्रेशर अप्लाई नहीं करते, सॉलिड प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते। तो इसमें देखेंगे तो करना क्या है, टेक अ कंटेनर फिल्ड विथ गैस, एक कंटेनर लेंगे जिसको हम गैस, इस कंटेनर में गैस फिल करेंगे। आफ्टर दैट द टाइनी पार्टिकल ऑफ गैस कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर वाइल डूइंग रेंडम मोशन, जब वो रेंडम मोशन करते हैं तो कंटेनर से कोलाइड करेंगे। ड्यू टू दिस प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन द वॉल, इसके कारण वॉल पे एक प्रेशर जनरेट होगा ऑफ कंटेनर। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज हाई, अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे और प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, पार्टिकल मूव फास्टर एंड एग्जर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल। ऐसे ही पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर एज दे कैन डू रेंडम मोशन एज टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यस, हाँ, तो इतनी बात को आप नोट करेंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताएंगे, आपको फिर से बताया जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप रेडी करिए इतना। थैंक यू।